Hi everyone, and in this lecture we will solve the problem of JEE Advanced 2020. So let's solve it. And this is a problem of thermodynamics. A filament of a light bulb has area this. The filament can be considered as a black body at a temperature 2500 Kelvin emitting radiation like a point source when viewed from the farm. अगर दूर से देखा जाए तो उसको हम एक point source की तरह treat कर सकते हैं. एट नाइट द लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर से देखा जा रहा है इसको 100 मीटर से. एज्यूमिंग दैट द प्यूपल ऑफ द आई प्यूपल ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर जो देख रहा है इसको उसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर जो प्यूपल देख रहा है इसको आई देख रही है इसको. सो हमको कुछ चीजें फाइंड करनी है. लेट सपोज पहला फाइंड करना है कि पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट कितना होगा. तो जो पावर होगा पावर इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 एंड दिस इज गिवन बाय स्टीफन्स लॉ. तो हमको ई पता है ब्लैक बॉडी है तो 1 है. एरिया पता है एरिया कितना 64 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको पुट करते हैं इनटू 64 10 की पावर माइनस 6. सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट जो गिवन है दिस सो 5.67 10 की पावर माइनस 8 इंटू टेम्परेचर इज 2500 की पावर 4. जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 141.75 वाट जो कि इसकी रेंज में बिल्कुल भी नहीं है. तो मतलब दिस इज रॉन्ग. ये तो पहला हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट डिफाइन करना है हमको. पार्ट टू देखते हैं. पार्ट टू में फाइंड करना है द रेडिएटेड पावर एंटरिंग इन टू द आई कि आई में कितनी एंटर करेगी. तो पहले तो यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल लेते हैं. हमको पता है कि जो एक पॉइंट सोर्स होता है ये स्फेयर की फॉर्म एमिट करता है. इसकी वेवफ्रंट स्फेरिकल होती है आर रेडियस. तो अगर ये पी पावर एमिट कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी पहुंचेगी दैट इज इक्वल टू पावर अपॉन 4πr² आर ये दे रखा है हमको. और जहां पे अगर कोई आई है तो वो जो रिसीव करेगी पावर रिसीव्ड दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू जितना उस आई का एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई इंटू इसका स्क्वायर कर देते हैं रेडियस का. तो 9 × 10⁻⁶ ये हमका रिसीव होगी. अब आई जो आई को पुट करें पावर निकाल चुके हैं 141.75 एंड 4πr जो है वो 100 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 9 × 10⁻⁶. इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3.18 × 10⁻¹. ये आप खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं क्योंकि वह लेंदी है इसलिए मैंने सिंबल्स की वैल्यू लिख दी जो कि 3.15 से 3.25 के बीच में आ रहा है. तो मतलब दिस इज करेक्ट. चलते थर्ड पे. थर्ड पार्ट इज बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. अब ये बताया था हमको वेन्स लॉ ने. तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू वेन्स कॉन्स्टेंट. सो लैम्डा एम इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखी है आपको वेन्स की वो है ये रही. तो 2.9 × 10⁻³ अपॉन जो टेम्परेचर है वो है 2500. जब उसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस 1160 नैनोमीटर. दिस इज वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी. मतलब ये भी करेक्ट है. अब चलते हैं डी पे. टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ एमिटेड इतना एमिट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स एंटरिंग पर सेकेंड इन टू द आई. तो उसके पास कितने फोटोन्स एंटर कर रहे होंगे एक सेकेंड में. तो ठीक है कितने फोटोन एंटर उसके पास कर रहे होंगे. तो हम पहले ये देख लेते हैं कि उस आई को फोर्थ पार्ट के लिए कि आई को कितनी पावर रिसीव हो रही है. पावर जो होती है वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है तो एनर्जी जो होती है एनर्जी होगी हमारे पास जितने फोटॉन्स और एक फोटोन की एनर्जी और पर सेकंड बोला है तो इसको आप पर सेकंड मतलब 1 सेकंड पुट कर सकते हो. तो आपको एन निकालना है. एन हो जाएगा आपके पास पावर अपॉन एच सी बाय लैम्डा. अब पावर हमको पता है पावर रिसीव हो रही है 3.18 × 10⁻⁸ और जो एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू होती है अगर मैं लैम्डा पुट करता हूँ नैनोमीटर में तो दिस विल बी इक्वल टू एच सी इज इक्वल टू 1242 ईवी में अगर मैं लैम्डा पुट करूंगा नैनोमीटर में.
सीधा याद कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट है। सो 12 42 बाय लैम्डा को पुट करता हूँ मैं। लैम्डा इज गिवन, ये रहा 1740, एंड दिस इज, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.610 की पावर -19। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2.78 × 10 की पावर 11। दिस इज नंबर ऑफ फोटोन। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। हमने बहुत इजी निकाल लिया इसको, हमने इतना निकाल लिया कि कितनी पावर पहुंच रही है, पावर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, 1 सेकेंड पुट कर दिया, और एक फोटोन की एनर्जी से हमने डिवाइड कर दिया उसको, तो हमको नंबर ऑफ फोटोन्स मिल गया जो इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि इसके रेंज में है, तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो बिल्कुल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।